फर्स्ट डोज मैंने बुकिंग कर लिया था स्लॉट और आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन के लिए जो कि मेरा फर्स्ट डोज है। पापा लेके जाएंगे मुझे आज, तो मैं रेडी हो जाऊँगी जल्दी से। फिर चलिए फिर मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में। गाइस देखिए कितना ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार। डोज लेने जा रहे हैं आज, इतना ट्रैफिक है, नींद भी पूरा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आधा रास्ता, और आधा रास्ता तय करना बाकी है, फिर हम पहुँचेंगे हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेलिटीज़ फिल करना एंड ऑल। तो एक्चुअली हम लोगों ने बुकिंग किया है स्लॉट एंड उसका कुछ हुआ है 1200 रुपीज़, हमको पेमेंट वहीं पर करना है। एंड वी हैव टू कैरी आर आधार कार्ड, और वेन यू डू द बुकिंग आपको कुछ कोड आता है, तो उसमें होता है 4 डिजिट का नंबर, आपको वो शेयर करना पड़ता है उन लोगों के साथ। तो गाइस लेट्स डू इट। ओके, तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल, ये है सिटीज़न हॉस्पिटल। अभी मुझे अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कहाँ दे रहे हैं। गाइस चलिए चलते हैं, वैक्सीन लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आई विल शो यू गाइस। It look. Okay, तो मैंने लगा लिया वैक्सीन, हो गया फर्स्ट डोज। मम्मी भी है, पापा भी है, अभी हम जा रहे हैं घर। अभी तो कुछ पता नहीं चला, इंजेक्शन भी दी ना मम्मी, पता ही नहीं चला। मालूम मैं बोल रही, मेरे को डर लगता है इंजेक्शन बोल के, बोले तो दे भी नहीं, पता ही नहीं चला। अभी देखेंगे नाइट तक कैसे रहेगा, कुछ साइड इफेक्ट्स होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। अगर हुआ तो मैं आप लोग को बताऊंगी क्या क्या साइड इफेक्ट्स है हो रहा है और उसके लिए क्या क्या आपको लेना है। डोलो 6655 लेना है, अगर कोई फीवर हो रहा है, बॉडी पेन्स हो रहा है तो डोलो 6655 लेने के लिए बोला है डॉक्टर ने। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं हो रहा है साइड इफेक्ट्स, तो नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, और लेट्स सी क्या साइड इफेक्ट्स होता है। अभी तो हम घर जा रहे हैं एंड आई नीड सम रेस्ट, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ। जैसे ही मैं वैक्सीन लेके घर पहुँची, आई वॉज़ फीलिंग सो मच ड्रॉजी, तो मैंने अपना लंच करा और मैं सो गई थी। अभी बज रहे 5:15, अभी तो मेरा तबीयत ठीक है, मुझे थोड़ा हल्का सा मतलब मेरा बॉडी गर्म फील हो रहा है, अदरवाइज और कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। फीवर तो नहीं है लग रहा है मुझे, एंड थोड़ा सा हैंड में पेन हो रहा है, जहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगवाया है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। अभी मैं करूँगी ऑफिस का लॉगिन और ऑफिस का काम करूँगी, और इसी दौरान मैं देखूँगी अगर मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है लाइक फीवर और बॉडी पेन्स और एनीथिंग, तो आप लोग को मैं अपडेट देती रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 आफ्टर आई टुक द वैक्सीन, और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, फीलिंग बेटर। और जैसे कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है DM करके मैसेजेस में कि आपने वैक्सीन कहाँ से लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ,
उमंग बोलकर एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना डिटेल्स उसमें रजिस्टर कीजिए, उसके बाद आपको उसमें एवरी 10 मिनट्स को नोटिफिकेशन आएगा, स्लॉट्स खुलेंगे, तो आप वो स्लॉट्स जब भी खुलता है ना, आप वहाँ पे जाके स्लॉट बुक कर सकते हैं। जब आप स्लॉट बुक करोगे तो आप लोग को एक मैसेज आएगा विद डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल और टाइमिंग्स एंड 4 डिजिट ऑफ कोड। उसके बाद आप उस डिटेल्स को लेकर जब भी आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, स्लॉट बुक हुआ है, डेट आपको सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर, उस हिसाब से आप उस हॉस्पिटल को विज़िट कर सकते हैं। एंड आपको वो 4 डिजिट का कोड प्रोवाइड करना होगा उनको, देन यू हैव टू डू सम पेमेंट। लाइक कोविशील्ड का आपको प्राइस पड़ेगा 800 चेंज एंड कोवैक्सीन का आपको पड़ेगा 1200 चेंज। तो गाइस ये पेड वैक्सीन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 18 प्लस को अभी तक स्लॉट्स ओपन नहीं हुए हैं, सो प्राइवेट में ओपन हो चुके हैं एंड इट इज़ पेड। अगर आप लोगों को वैक्सीन लेना है देन यू कैन यू नो बुक योर स्लॉट थ्रू उमंग एंड डू सम पेमेंट एंड टेक योर वैक्सीन। तो हम लोगों ने ऐसा किया है गाइस। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे DM कर दीजिएगा या कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या क्या यू नो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली राइट बैक टू यू गाइस। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड लाइक एंड कॉमेंट टू माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।